जम्मू कश्मीर में दिगर हिस्सों की तरह जिला बारामूला के तहसील बनियार में मुकम्मल लॉकडाउन देखने को मिला। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सईद मनीर हुसैन ने नुमाइंदे जेके अर्ली न्यूज से बात करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की और साथ ही सैनिटाइजर मास्क इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आए रोज जम्मू कश्मीर में वबाई बीमारी तेजी से फैलती जा रही है, जिसकी चेन को तोड़ने के लिए 84 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। बारामूला से देखिए जावेद मजीद की एक खास रिपोर्ट। देखिए, गवर्नमेंट की एडवाइजेस के ऊपर हम लोग भी काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी इस बात की है कि अब लोगों ने भी इस बात को समझ लिया है कि कोविड जो है बहरहाल वो बहुत ख़तरनाक है और प्रिकॉशंस और एसओपीज को फॉलो करना ही उसका एक हल हो सकता है। मेरी अवामुन नास से भी यही गुजारिश रहेगी कि अगर गवर्नमेंट ने 3 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है तो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करें। हम लोग आपकी सहायता के लिए यहाँ पे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो, सो देट कि इंशाल्लाह पहले की तरह दोबारा से यहाँ पर बाज़ार खुलें। हमें भी बाज़ार बंद करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन चूँकि इसका एक ही हल है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप अपने घरों के अंदर रहें और भीड़ भाड़ ना करें। और मुझे लगता है चेन को ब्रेक करने के लिए 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है और इंशाल्लाह आई होप सो कि आगे आने वाले दिनों में बस क्लियर का डायरेक्शन है कि अगर कोई भी बीमार है तो हम उसको बिल्कुल उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, एसओपीज को फॉलो करके हम उसको छोड़ रहे हैं। जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का ताल्लुक है तो उसके लिए हमारे पास जो दूध की शॉप्स है वो हम लोग आवरली बेसिस पे हम लोग वो ओपन रखेंगे और उसके बाद जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात है वो भी फ्राहम होती है। हाँ, वैसी जो भीड़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों की ज़रूरत को मीट आउट ज़रूर किया जाएगा इंशाल्लाह।